चलिए दोस्तों आज बात करेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तो सबसे पहले एज यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव थ्री फंक्शंस कोस थीटा टेन थीटा एंड सेक थीटा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट दिस क्वेश्चन एज सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन टू थीटा प्लस सेक टू थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास टेन थीटा है टेन टू थीटा उसको हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं सेक टू थीटा है उसको भी टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर अगर टेन इक्वल टू टी लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर तो न्यूमिनेटर में वो होना चाहिए दैट्स वाई सबसे पहले को स्क्वायर को हमने सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा इज इट इज टू थीटा की आइडेंटिटी होती है टू टेन थी थीटा प्लस इट मीन्स वन ओवर कोस टू थीटा और कोस टू थीटा यहाँ पे है और उसकी आइडेंटिटी होती है वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वेर थीटा वो यहाँ पे आ जाएगा क्लियर

and differentiate on both side, then sec square theta d theta equal to dt. Now, substitute the value in the above step. So, we will get uh, 1 minus t square into sec square theta d theta is dt divided by 1 plus t whole square. Now, we have almost done. Uh, numerator 1 minus t square इट विल बी वन प्लस टी वन माइनस टी एंड नीचे है वन प्लस टी होल स्क्वायर तो एक बार वन प्लस टी खट हो जाएगा एंड न्यूमेरेटर विल बी वन माइनस टी एंड दिस इज वन प्लस टी डी टी यहाँ से अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं देन ये जो न्यूमरेटर है वो टी वन माइनस टी है वो अब टी माइनस वन बन गया है अब टी माइनस वन है उसमें मैं टी प्लस वन करूँ तो फिर माइनस टू मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अब देखिए टी प्लस वन माइनस टू तो अब फाइनली वो टी माइनस वन हो चुका है फिर दोनों को मैं वन प्लस टी या टी प्लस वन अगर सेपरेट दे देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ, बनेगा नेगेटिव वन और वन का इंटीग्रेशन होता है आ, टी क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो so, ये माइनस टी इधर आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस टू कॉन्स्टेंट और इसका आ जाएगा एल एन मोड टी प्लस वन और प्लस सी इज़ इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट नाउ जो हमारे पास माइनस टी है वहाँ पे आएगा माइनस और टी की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे टेन थीटा प्लस टू एल एन मतलब लोग बेस ई एंड टी की वैल्यू हो गई ना हमारे पास टेन थीटा है सो टेन थीटा प्लस वन एंड प्लस सी नाउ अब हमारा जो ये आंसर है इसको हम जो आंसर दिया है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इन दी गिवन आंसर कोफिशियंट ऑफ टेन थीटा इज लेमड़ा And here coefficient of 10 theta is minus 1. So we can say that lambda equal to minus 1 here first. Second, here uh, f of theta is uh, 10 theta plus 1. So we can say that f of theta equal to 10 theta plus 1. And that's why we can find this ordered pair as minus 1, comma 10 theta plus 1. एंड दिस ऑर्डर पे रिप्रेजेंट लेफ ऑफ टीटा एंड दिस इज आवर आंसर क्लियर तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करते रहेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना हमें आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं